कैलकुलेशन भी डॉपलर के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम लिख तो लेते हैं कितना आएगा, लेकिन जब सॉल्व करते हैं, अगर देखो मैं इसको पहले सॉल्व करता, देखो मैं आपको बताता हूँ कितनी गलती होती है, 340, तो 330 अपॉन 340 इंटू एफ नॉट। तो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास पे डॉपलर इफेक्ट की। आपको ये दे रखा है सोर्स, ये दे रखा है ऑब्जर्वर, ठीक है। सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ कितनी वेलोसिटी से, वीएस से। ऑब्जर्व जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, वी नॉट से। अब इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो विंड है अब वो किसी एंगल पे चल रही है, और ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट फर्स्ट वेवलेंथ रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर कितना होगा, और सेकंड फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर कितना होगा। क्लियर है ना? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत आसान है, आपको विंड का वो कंपोनेंट लेना है जो साउंड की डायरेक्शन में हो, ध्यान रखना। और साउंड की डायरेक्शन कौन सी होगी, दोनों को मिलाने वाली। तो साउंड कहां से ट्रेवल करेगा, सोर्स से ऑब्जर्वर। तो क्या मैं VW के दो कंपोनेंट कर सकता हूं, दिस इज VW cos थीटा और VW sin थीटा। इस डायरेक्शन में VW का कंपोनेंट कितना आएगा, VW cos थीटा। सबको समझ में आया? तो हम कौन से फ्रेम में जाके इसको सॉल्व करते हैं, विंड के। ये बताओ अगर मैं विंड के फ्रेम में जाऊंगा तो विंड तो रेस्ट पर आ, लेकिन विंड की वेलोसिटी किस किस को मिलेगी, सोर्स को, ऑब्जर्वर को। साउंड को मिलेगी क्या, नहीं, क्योंकि साउंड तो पहले से ही विंड के फ्रेम में। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ये हमारे पास सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, सब लोग देखो विंड कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसको रोका, इसकी वेलोसिटी इसको कहां मिलेगी, इधर। तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वीएस माइनस वीडब्ल्यू कॉस थीटा। सही बात है, ये कहां है, इधर, वीडब्ल्यू इधर है, इसको रोका, इसकी वेलोसिटी इसको कहां मिलेगी, इस डायरेक्शन में। तो कितनी हो जाएगी बेटा, वी नॉट प्लस वीडब्ल्यू कॉस थीटा, सही है ना? और साउंड कहां से ट्रेवल करेगा, सोर्स से ऑब्जर्व। यस सर, बस आंसर आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ वेवलेंथ रिसीव्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर लैम्डा रिसीव्ड, फॉर्मूला बोलो क्या होता है लैम्डा रिसीव्ड, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स, लैम्डा के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स सेम डायरेक्शन में, तो माइनस, बोलो कितना, वी एस अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। सही बेटा, ये आपके पास बनेगा, दैट इज वी माइनस वी एस प्लस वी डब्ल्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एफ नॉट। और अगर मुझे कैलकुलेट करना है, बताओ कि फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड कितनी होगी, निकाल सकते हो, या तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता था और मैं इधर से भी निकाल सकता हूं, है ना? फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन वेवलेंथ रिसीव्ड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट है, तो ऐड हो जाएगा। अपॉन लैम्डा रिसीव्ड, और इसको यहां पुट करता हूं। तो अगर आप पुट करोगे तो आपके पास आएगा फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड इज इक्वल्स टू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी नॉट अपॉन, नीचे आएगा वी माइनस वी एस प्लस वी डब्ल्यू कॉस थीटा इंटू एफ नॉट। तो क्या मुझे इतनी मेहनत करने की अब जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। क्यों पता है, हमने कल एक चीज सीख ली कि कभी भी विंड दे रखी हो ना तो विंड को भूल जाओ, विंड को
भूल जाओ, इसको हटा दो। देखो मैं और तरीका बताता हूँ, इसको हटा दो, मैं सीधे फ्रीक्वेंसी लिखता, इसको हटा दो, भूल, इसके फ्रेम में भी नहीं जा रहा, मैं भूल गया कि लिखा हुआ था क्वेश्चन। ये बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होता, मैं लिखता वेलोसिटी, साउंड यहां से आता, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स इनटू एफ नॉट। फिर मैं चेक करता कि जो विंड है वो कहां से कहां जा रही है, सोर्स से ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर से सोर्स। सोर्स से ऑब्जर्वर जाएगी तो ऊपर और नीचे विंड की वेलोसिटी को ऐड कर दो, और ऑब्जर्वर से सोर्स जाएगी तो दोनों जगह विंड की वेलोसिटी को माइनस। और विंड की वेलोसिटी का वही कंपोनेंट लेना है जो साउंड ट्रेवलिंग के अलोंग होता है, बस ये आंसर आ जाएगा। सबको मेरी बात अच्छे समझ में है बेटा, नोट करो इसको सब लोग, और इसके बाद अगले केस पर आते हैं। इसमें नेक्स्ट केस आता है, ये फाइनल केस है इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है जिसका क्वेश्चन हमने अभी किया। कौन सा वाला? ड्राइवर वाला, बिल्कुल है ना। तो जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी से लेके कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो आपको एक सोर्स दे रखा है, सोर्स कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वी एस से। यहां पर एक वॉल है, ठीक है, जो कैसी है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है ना, यहाँ इलास्टिक नहीं बोलेंगे, यहां बोलेंगे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, मतलब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, जितनी एनर्जी टकराएगी सब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये सोर्स है और ये जो वॉल है वो भी चल रही है वी नॉट से, ठीक है, किसी ट्रेन में बिठा के चला रहे हैं वॉल को, ठीक है, वॉल भी चल रही है, कितनी वेलोसिटी से, वी नॉट से। सोर्स के पास जो वेवलेंथ है वो है, यहां से साउंड जनरेट हुआ, वेवलेंथ कितनी, लैम्डा नॉट, फ्रीक्वेंसी कितनी, एफ नॉट। तो आपको कैलकुलेट करना है इस केस में, फाइंड आउट, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड आउट वेवलेंथ रिसीव्ड एंड फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल। ये पहला क्वेश्चन है कि वॉल कितनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि जो सोर्स है वो दोबारा कितनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय सोर्स अगेन, सब लोग अटेम्प्ट करो और फाइनल आंसर बताओ। चार चीज निकालनी है ना, लैम्डा रिसीव्ड, वॉल ने कितना वेवलेंथ रिसीव किया, वॉल ने कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव की, सोर्स ने दोबारा से कितनी वेवलेंथ रिसीव की और कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव की। चलो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। चलो सबसे पहले इधर देखो सब लोग, है ना, यहां से हमारे पास जो सोर्स था ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा था, वी एस से, और जो वॉल थी वो कितनी वेलोसिटी से जा रही थी, वी नॉट से। पहला क्वेश्चन, साउंड कहां से ट्रेवल करेगा, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, इधर करेगा। तो
तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हम कई बार कर चुके हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ यार वेवलेंथ रिसीव्ड बाय द वॉल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ यार फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल, तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं अब तो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स इन टू एफ नॉट। ये आ गया, आ गया, ये पहले के आंसर हो गए, तो सिंपल है। अब दूसरी कहानी क्या होगी? अब ये जो आपका सोर्स है ना, ये किसकी तरह से काम करेगा? ऑब्जर्वर। ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा? वीएस से। ये जो वॉल है यहां से साउंड आ रहा होगा, और ये वॉल कितनी वेलोसिटी से चल रही है? वी नॉट। और यहां से जो साउंड आ रहा होगा उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा आर, और फ्रीक्वेंसी होगी एफ आर। ये सुनेगा साउंड को, तो साउंड ट्रेवल करेगा सोर्स से ऑब्जर्वर कितनी वेलोसिटी से? वी से, और ये खुद वी नॉट से आर। क्लियर है? चलो अब फटाफट बताते, चलो पहले वेवलेंथ निकालेंगे। तो वेवलेंथ रिसीव्ड बाय द सोर्स, अगेन ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो ये क्या होता है? लैम्डा होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। वेलोसिटी ऑफ साउंड, सोर्स तो ये खुद है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स कितना? v माइनस v नॉट अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है? एफ आर अपॉन एफ। तो ये बनेगा v माइनस v नॉट अपॉन एफ आर, कितना है बेटा? दैट इज v प्लस v नॉट इनटू v माइनस vs अपॉन एफ नॉट। यहां से उठा के रख दिया, सही है। आगे चलते हैं, ये बताओ फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द सोर्स अगेन निकाल सकता हूं? ये आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो वी प्लस वी एस, वी प्लस वी एस अपॉन वेवलेंथ रिसीव्ड। वेवलेंथ, वेवलेंथ रिसीव्ड ये हो गई, तो पुट कर दो कितना है बेटा? v माइनस वी नॉट इंटू वी माइनस वी एस अपॉन वी प्लस वी नॉट इंटू एफ नॉट। ये आंसर है। सबको मेरी बात अच्छे समझ में आई है ना? तो बिल्कुल सिंपल है यार। सबसे पहले हमने निकाला कि पहले देखो हमेशा वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से पहले कैलकुलेट, तो पहले वॉल ने कितनी वेवलेंथ रिसीव की, फिर वॉल ने कितनी फ्रीक्वेंसी की, फिर साउंड ने दोबारा से कितनी वेवलेंथ रिसीव की सोर्स ने, और सोर्स ने दोबारा से कितनी फ्रीक्वेंसी को रिसीव किया। फॉर्मूला आप याद नहीं रख सकते हो, ऑब्वियसली बात है, इसको याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, तो ड्राइव करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 30-35 सेकंड में आपका आराम से ड्राइव हो जाए। नोट करो बेटा सब लोग, इसमें विंड आ गया तो विंड के फ्रेम में चले जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? पहले विंड को रोक दो, अगर ऐसा हो गया तो पहले विंड को रोक दो और उसके क्योंकि केस में कैलकुलेट कर लो। सब में विंड की डायरेक्शन सेम ही होगी, तो एक बार रोक के ही खत्म हो जाएगा आपका गेम, फिर आपके लिए वो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। इसको नोट करो और इसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखो, डॉपलर इन केस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सिंपल सा डॉपलर इफेक्ट था, कोई बहुत डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है डॉपलर इफेक्ट, बहुत आसानी से हम इसमें मार्क्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे डॉपलर इफेक्ट इन केस ऑफ लाइट। तो देखो डॉपलर इफेक्ट इन केस ऑफ लाइट की जब हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे जब लाइट की बात करते हैं, सब लोग देखो पहले फिर नोट कर लें, जब हम लाइट की बात करते हैं तो मुझे बताओ लाइट का मतलब हमारे लिए क्या है? विजिबल रेंज। हम सिर्फ विजिबल रेंज को ही देख पाते हैं, है ना, हम उसी को लाइट बोलते हैं। और विजिबल रेंज की वेवलेंथ आपको पता है क्या? है ना, 400 से नहीं बेटा, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, तुम नैनोमीटर में बता रहे हो।
वन एंगस्ट्रॉम का मीनिंग पता, 10^-10 meter, ठीक है ये याद रखना, वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 meter. वन नैनोमीटर पता है बेटा, 10^-9 meter, ठीक है ना. वन नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 angstrom. हुआ ना. अब सब लोग इधर देखो, अगर हम बात करें डॉपलर इफेक्ट इन लाइट की, इसका मीनिंग क्या है. देखो लाइट भी चाहे हम साउंड की बात करें, जो भी है, दोनों किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट. और हमने बोला था कि वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ का मतलब होता है द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट. तो होता क्या है, जो स्टार होते हैं, स्टार जैसे, स्टार का मतलब कौन से स्टार की बात कर रहा हूं, सन की बात कर रहा हूं, हाँ, स्टार्स की बात नहीं कर रहा, शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा, ठीक है. हाँ तो हम अगर स्टार्स की बात करें, जैसे सन एक स्टार है लेकिन अर्थ एक स्टार नहीं है, उसका रीजन बिल्कुल ल्यूमिनस ल्यूमिनस नहीं है वो, कि किसी भी चीज को स्टार हम तब बोलते हैं जब उसकी खुद की एनर्जी होती है. अर्थ अपनी खुद की एनर्जी को जनरेट नहीं करता, अर्थ सन पे डिपेंडेंट है. क्लियर है, अर्थ हमें चमकीला कभी दिखाई देगा जब जब सन की रेज उससे पड़ के रिफ्लेक्ट होंगी. क्लियर है, इसलिए सन को हम प्लेनेट बोलते हैं, और मतलब अर्थ को हम प्लेनेट बोलते हैं और सन को हम एक स्टार बोलते हैं, उल्टा बोल दिया, ठीक है. तो जब हम बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट इन केस ऑफ लाइट की, तो लाइट का मीनिंग होता है हमारे लिए विजिबल रेंज, और विजिबल रेंज होता है विवग्योर. विजिबल रेंज क्या होता है, विवग्योर. विवग्योर का मतलब क्या है, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो ये ऑर्डर होता है, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं लाइट इज मेड ऑफ डिफरेंट कलर वेवलेंथ. लाइट इज मेड ऑफ डिफरेंट कलर वेवलेंथ. जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता जाता है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कलर चेंज होता जाता है. सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, और सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की. क्लियर है यहां तक सबको. तो जब भी हम डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो देखो उसमें दो ही केसेस बनते हैं, एक को हम बोलते हैं अप्रोचिंग स्टार और एक को बोलते हैं हम रिसीडिंग स्टार. अब दोनों में फर्क क्या है, एक केस में देखो, या तो जैसे मान लो कि मैं ऑब्जर्वर हूं और ये एक मान लो स्टार है, यानी सन है, या तो सन मुझे अप्रोच कर रहा होगा, यानी हम दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, या हम दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे. तो इस केस में दो ही केस बनते हैं. अच्छा, या तो सन मुझे अप्रोच करे या मैं सन को अप्रोच करूं, दोनों का रिजल्ट सेम आता है इस केस में. आइदर सन यानी सोर्स इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग द सोर्स, एक ही आंसर आता है बिल्कुल, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी सेम होगी. और चाहे दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो, यानी सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, एक ही बात है. तो यहां पर हम सिर्फ दो ही केस पढ़ते हैं. तो इसमें जो फर्स्ट केस आता है, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो इसमें लिखो केस वन, व्हेन द सोर्स इज मूविंग towards the observer, when the source is moving towards the observer, इसको हम नाम देते हैं, this is also known as approaching star. अब जैसे इधर देखो सब लोग, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा. देखो मैंने क्या केस बोला है, कि यहां पे अगर ये सोर्स है और ये मेरे पास क्या है, ऑब्जर्वर. सोर्स का मतलब हो गया हमारे पास सन, ठीक है. जो अच्छे बताओ लाइट कहां से जाती है, सोर्स से ऑब्जर्वर, और लाइट का मतलब होता है सी, 3 into
टेन रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं है, ये लाइट है, और लाइट जाएगी सोर्स से ऑब्जर्व। बताओ कि वेव फ्रंट कहाँ से जनरेट होंगी, सोर्स से कि ऑब्जर्वर से? सोर्स से। तो वेव फ्रंट ऐसे जनरेट होंगी, मैं बोल सकता हूँ कि सोर्स जो है वो वेव फ्रंट को जनरेट कर रहा है और जो वेव फ्रंट है वो आगे चल रही है। कितनी स्पीड से? 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। अब बात ध्यान सुनना, मैं ऑब्जर्वर हूं, अगर ये सोर्स रुका हुआ होता, अगर ये सोर्स रुका हुआ होता, तो जब मान लो दोनों के बीच की सेपरेशन लैम्डा है, तो जब पहली वेव फ्रंट यहां पर पहुंचती तो दूसरी वेव फ्रंट यहां से जनरेट होती, और दूसरी मुझ तक पहुंचती तो तीसरी जनरेट होती, तो क्या दो वेव फ्रंट्स के बीच की सेपरेशन चेंज होती क्या? नहीं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि साहब मैं तो यहां पर हूं, सोर्स मेरी तरफ आ रहा है, तो जब पहली वेव फ्रंट मुझ तक पहुंचेगी तो दूसरी वेव फ्रंट यहां से ना जनरेट होके थोड़ा सा आगे से जनरेट होगी, क्योंकि ये भी तो चल चुका होगा कुछ, तो दो वेव फ्रंट्स के बीच की सेपरेशन बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई, यानी वेवलेंथ कम हो गया। वेवलेंथ यानी मैं बोल सकता हूं कि जब सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच करता है, व्हेन सोर्स अप्रोचेस द ऑब्जर्वर, तो उसकी इसमें वेवलेंथ क्या होता है? कम हो जाता है। वेवलेंथ कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ जाए। कैसे? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो हम बोल सकते हैं ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड v इज अ स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको अगर आप कांस्टेंट मानोगे तो दैट इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो यानी मेरे पास जो फाइनल फ्रीक्वेंसी आएगी वो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो इसकी इसमें जो फ्रीक्वेंसी आती है तो उसका फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी इंटू एफ नॉट। अब कहाँ से आता है हमें उसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं, हमें सिर्फ इसके फॉर्मूले से मतलब होना चाहिए। अब इसको ये सबको समझ में आया ना, तो वी इज एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी इंटू एफ नॉट। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, वी क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ सोर्स या ऑब्जर्वर। क्लियर है? दोनों के लिए सेम आता है, क्योंकि अप्रोचिंग केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट करो बेटा सब लोग, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, यहां पर v का मतलब है दिस इज वेलोसिटी बाय विच सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग ईच अदर, वो वेलोसिटी जिससे वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। जैसे आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन निकालो एक बार, मेंस का पांचवा शायद है ना, पांचवा आई थिंक, यहां तक 10 GHz वाला। नंबर 5 में क्या दे रखा है देखो, ऑब्जर्वर इज मूविंग विद हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट टुवर्ड्स ए स्टेशनरी माइक्रोवेव सोर्स। तो यहां पे देखा साहब ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है सोर्स की तरफ? v इज इक्वल्स टू सी बाय टू। क्लियर है? आपको दे रखा है जो सोर्स है वो एमिट कर रहा है एक वेव को, और फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी? 10 GHz। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर? निकाल सकते हो क्या ये अप्रोचिंग स्टार का केस है कि रिसीडिंग स्टार का है? अप्रोचिंग, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, देखो याद करने का तरीका, अप्रोच करेंगे तो वेव फ्रंट के बीच की सेपरेशन कम हो जाएगी, लैम्डा कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो सी प्लस वी वाली फॉर्म ऊपर आएगी, तो फाइनली जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी बेटा? अंडर रूट ऑफ सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी इंटू एफ नॉट। ये दे रखा है ना कि वो आधी स्पीड से चल रहा है। ये बताओ कितना बना बेटा एफ इज इक्वल टू, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 3c/2 अपॉन c/2 इंटू एफ नॉट। तो एफ इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 इंटू एफ नॉट इज 10। ये होता है 1.732 × 10। तो आंसर आएगा 17.32 GHz। ये आंसर
अच्छा बताओ कि इधर देखो सब लोग, वेवलेंथ बढ़ी कि कम हुई? कम हुई ना। इधर देखो वापस आ रहा हूं। अरे भाई हाँ, वेवलेंथ अगर कम हो जाएगी, कहाँ गया ये वाला था ना, हाँ ये रहा, ठीक है बिल्कुल ये वाला। वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो आपको एक्चुअली कौन सा कलर दिखाई देने लग जाएगा? वेवलेंथ अगर बढ़ती रेड, और अगर कम होगी तो आप इस वाले रीजन में आओगे, तो हमें जो कलर दिखाई देगा वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू टाइप का कलर होगा। इसलिए इसको हम एक नाम देते हैं और इसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, क्योंकि वेवलेंथ कम होती जाती है तो आपको जो कलर दिखाई देने लगता है वो ब्लूइश कलर का होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। तो ब्लू शिफ्ट कई बार क्या होता है, वो देता नहीं है कि वो अप्रोच कर रहा है, वो लिख देगा ब्लू शिफ्ट है। तो ब्लू शिफ्ट का मतलब वेवलेंथ कम हो रही है, वेवलेंथ का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मतलब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो ध्यान से यहां पे लिख लेना, पहला केस जो किया था इसको हम ऑल्सो अप्रोचिंग स्टार भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लू शिफ्ट। सेकेंड केस इसका, और केस सेकेंड क्या है, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब दोनों एक दूसरे की तरफ ना जाके एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो सपोज मान लो ये आपके पास सोर्स है और ये आपके पास क्या है, ऑब्जर्वर। लाइट कहां से जाएगी, सोर्स से ऑब्जर्वर, लेकिन सोर्स अब ऑब्जर्वर की तरफ ना जाके ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो वी स्पीड मान लेते। तो इस केस में अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूंगा तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। ये बताओ वेव फ्रंट्स के बीच की सेपरेशन कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि अब होगा क्या, पहली वेव फ्रंट मेरे पास आई, दूसरी वेव फ्रंट यहां से प्रोड्यूस नहीं होगी और आगे से होगी, तो वेव फ्रंट्स के बीच की सेपरेशन बढ़ गई। इसका मतलब यहां पर लैम्डा बढ़ गया, तो बोल सकते हैं एज लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा लैम्डा इंक्रीज होगा तो शिफ्ट कौन सी साइड जाएगा, ब्लू या रेड? रेड। तो इसको हम एक नाम भी देते हैं, दिस इज नोन एज रेड शिफ्ट। और यहां पे क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं रिसीडिंग स्टार। दिस इज नोन एज रिसीडिंग स्टार या रेड शिफ्ट। फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, इससे तुलना करके आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल अंडरूट ऑफ सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी इनटू एफ। हाँ बेटा बोलो। लैम्डा हाँ, क्योंकि दो वेवफ्रंट्स के, देखो दो, मैं समझाता हूँ, ऑब्जर्वर के चलने की वजह से कभी भी दो वेवफ्रंट्स के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होती। मान लो तुम दो वेवफ्रंट हो और मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं कितना भी इधर उधर मूव कर लूँ वेवफ्रंट के बीच की सेपरेशन चेंज हो गया, लेकिन अगर सोर्स ही चल देगा तो चेंज हो जाएगी। तो तीसरे केस में चक्कर क्या था, हाँ तीसरे केस में क्या था, ऑब्जर्वर हाँ सोर्स चली सोर्स चल ही नहीं रहा था, और सोर्स अगर चलेगा ही नहीं तो दो वेवफ्रंट्स के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होगी। तो वेवफ्रंट्स के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं हो रही लेकिन ऑब्जर्वर चल रहा है, तो नंबर ऑफ वेवफ्रंट्स जो क्रॉसिंग है वो चेंज हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, उसमें वेवलेंथ चेंज नहीं हो रहा था। यहां तक सबको मेरी बात है बेटा समझ में? तो दो फॉर्मूले हैं इसके, बहुत सिंपल है, एक होता है ब्लू शिफ्ट एक होता है रेड शिफ्ट। कुछ भी इसमें रटने का नहीं है, अगर आप इसको रटोगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा फॉर्मूला था क्या। देखो कितना सिंपल तरीका बताया, आप कोई भी एक पॉइंट याद रख लो, मैं तो कुछ भी नहीं याद रख रहा, मैं ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट याद रख रहा हूं, देखो बस खत्म। ब्लू का मतलब वेवलेंथ ज्यादा कि कम, कम, वेवलेंथ कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो फॉर्मूले में एफ वी प्लस एफ ऊपर आएगा, तो अंडर रूट ऑफ सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी इनटू एफ नॉट। रेड शिफ्ट की बात करूं तो रेड का मतलब वेवलेंथ बढ़ गई, वेवलेंथ बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी
तो अंडर रूट ऑफ सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी इंटू एफ नॉट। वेवलेंथ अगर बढ़ रही है मतलब दोनों दूर जा रहे हैं, वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो दोनों पास आ रहे हैं। तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही है यानी रेड शिफ्ट हो रहा है मतलब दूर जा रहे हैं मतलब रिसीडिंग स्टार, सही बात है। वेवलेंथ अगर कम हो रही है यानी ब्लू शिफ्ट हो रही है दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं अप्रोचिंग स्टार। तो हमें कुछ भी एक्चुअली इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको तरीका याद रखना है कि हम कैसे इसको आपस में कनेक्ट कर सके। तो रिलेटिव निकालेंगे, जैसे हम क्या करेंगे वी वन प्लस वी टू आ जाएगा एक को रेस पे जाके, है ना। और लाइट को वो स्पीड देने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि लाइट पहले से ही वो उस फ्रेम में ही है, है ना। क्योंकि हमारे रिलेटिव मोशन से लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ज्यादा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो के रिलेटिव मोशन से तीसरे के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक सबको मेरी बात आई बेटा समझ में। अब शीट निकालो सब लोग एक बार और शीट से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं इसके। डॉपलर के एक काम करो S1 एक्सरसाइज निकालो सब लोग, और सब लोग की कॉपी में होने चाहिए, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। S1 का क्वेश्चन नंबर डॉपलर के 15 से लेके 18 तक क्वेश्चन है, साथ में फटाफट फटाफट। 17वां तो मैंने करा दिया आपको, 17वां यही था केस पिछला वाला, है ना, जो लास्ट केस था अपना। तो डॉपलर का एसी S1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कहां से कहां था बेटा, 15, 16 और 18। सब लोग अभी सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, अप टू द लास्ट आंसर निकालना है ना। सब लोग कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और आंसर निकालो। ऐसे करो जैसे पेपर में कर रहे हो बैठ के। अच्छा बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब है डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, बस F1 माइनस F2, बस अभी तो मतलब मत समझो, बस F1 माइनस F2 होता है ना। अपने तो अभी डॉपलर इफेक्ट सॉल्व करना है। देखो 15वां मैं, चलो मैं आपको देखो पहली लाइन रीड करो सब लोग, बड़ा सिंपल है। देखो एक बार पहली लाइन पढ़, उससे ना डायग्राम बहुत अच्छे से समझ जाएगा। पहला देखा है ट्यूनिंग फॉर्क, यही देखा है ना, दो ऑब्जर्वर है यहां पे देखा है, टू ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जर्वर। तो देखो मैंने क्या किया, ओ बनाया एक तरफ ए एक तरफ बी, अगली लाइन विद अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी 85, मतलब दोनों जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो साउंड को प्रोड्यूस कर रही है कितनी फ्रीक्वेंसी का 85। अगली लाइन, दीज आर मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ, मतलब दोनों की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में 10 है। अगली लाइन, ए इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो ए अवे जा रहा है और बी टूवर्ड्स जा रहा है, बन गया डायग्राम।
और जो विंड की वेलोसिटी है वो भी ए के मोशन की डायरेक्शन में है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज अ बीट फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर। सब लोग इधर देखो, अब यहां पर एक वर्ड आया बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो बाद में देखेंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि ऑब्जर्वर के पास कितना साउंड पहुंच रहा होगा, दो, कहां कहां से, ए से और बी से। ए से जो साउंड पहुंच रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो F1 है, और बी से जो पहुंच रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी F2 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना उसी को बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मैं निकालूंगा F1 और F2, पहले आते हैं यहां पर। ये बताओ साउंड कहां से आएगा, सोर्स से, ऑब्जर्वर, ऐसे जाएगा, ये जाएगा। तो ये हो गया साउंड, मान लो सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इस वाले केस में अगेन साउंड कहां से जाएगा, सोर्स से, ऑब्जर्वर, ऐसे। अब ये तो देखो विंड है ना, एक काम करते हैं विंड को रोक देते हैं, विंड के फ्रेम में चले जाते हैं, जैसे हमें टेंशन ही खत्म हो जाए। अगर मैं विंड के फ्रेम में गया तो विंड तो रेस्ट पर आ जाएगी, और विंड की वेलोसिटी किसको मिलेगी, ए को, बी को और ऑब्जर्वर को, कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट। तो देखो कितना खत्म बढ़िया गेम होगा। जैसे ही मैं इसको रोकूंगा इसकी वेलोसिटी इसको मिलेगी इधर, तो 10 माइनस 10 0। इसकी वेलोसिटी इसको भी इधर मिलेगी, 10 माइनस 10 0, और ऑब्जर्वर को भी इधर मिलेगी। तो हुआ क्या पता है, अब ये आ गया रेस्ट पे, ये भी किस पर आ गया, रेस्ट पे, और जो ऑब्जर्वर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। साउंड कहां से जाएगा, सोर्स से, ऑब्जर्वर। तो अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी निकालूं कि भैया ये कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स इनटू एफ। अगर मैं इसके लिए निकालूं कि इसकी वजह से ये कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड रिसीव करेगा, तो आप बोलोगे सर साउंड तो आएगा सोर्स, ये सोर्स है ना, सोर्स से ऑब्जर्वर। तो बोलो F2 कितना आएगा बेटा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स इनटू एफ नॉट। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर C+10 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स। या अभी वैल्यूज मत रखो आप, है ना, वैल्यूज रखने से हो जाता कचरा। आप पूरा सॉल्व करोगे पहले काटा पीटी कर लो, कैसे, मुझे F1 माइनस F2 पूछा है ना, तो ये तो कौन सा ज्यादा है, F2 ज्यादा है कि F1 ज्यादा है, F2 ज्यादा है ना, तो F2 माइनस F1 निकाल लेते हैं। अगर मैं F2 माइनस F1 निकालूंगा तो ये कितना बनेगा बेटा, C+10 अपॉन C into F0 माइनस, कितना है बोला, C-10 अपॉन C into F0, सही है, ये उड़ गया, ये प्लस का 10/C और प्लस का 10/C, तो 20/C into F ये आंसर है। तो 20/C बोलो बेटा कितना है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे रखी है, 340 दे रखी है, 340 इंटू एफ नॉट कितना दे रखा है बेटा, 85 85, ये आंसर है। गया, देखो कैलकुलेशन भी आसान है। 17 सत्रह 85/17 5, इसे समझ में आया, क्लियर है। तो इसलिए मैंने इतने बढ़िया तरीके से आपके यहाँ पे लिख के दिया जिससे आपको एकदम क्लियरिटी रहे हम एक्चुअली कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले हम किसके फ्रेम में गए, पहले डायग्राम बनाया, फिर हमने विंड को रोका कि यार विंड को खत्म करो, क्योंकि जब तक, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब तक विंड रहेगा ना आपको स्ट्रेस बना रहेगा, आपको लगेगा यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हवा भी दे दी, नहीं होती तो बढ़िया रहता, तो नहीं तो उसको खत्म करो ना, उसके फ्रेम में चले जाओ। और जैसे ही खत्म किया अब मुझे बड़ा रिलैक्स लग गया कि यार अब तो ये बेसिक क्वेश्चन बन गया है ना। अच्छा, कैलकुलेशन भी डॉपलर के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम लिख तो लेते हैं कितना आएगा, लेकिन जब सॉल्व करते हैं, अगर देखो मैं इसको पहले सॉल्व करता, देखो मैं आपको बताता हूँ कितनी गलती होती है, 340, तो 330 अपॉन 340 इंटू एफ नॉट, समझ में आया, और यहाँ आता 350 अपॉन 340 इंटू एफ नॉट, मैं पहले यही करता रह जाता, और जब मैंने माइनस किया तो देखो कितना आसान कैलकुलेशन हो गई। तो ये ध्यान रखना, आगे चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पे। अब सब लोग अटेम्प्ट करो खुद से और आंसर बताओ। सोलहवें में
हो सकता है बेटा। कितना आ रहा है तुम्हारा? 337। अच्छा, लगभग लगभग 5 ही आ रहा है, 5 ही, 6 कहाँ, 6 के आसपास। हाँ तो ठीक है, इतना तो चलता है। उसके बाद 32 से लेके 38 तक करो ओवन के। चलो 16 पर आते हैं। 16 हो गया बेटा, चलो रीड करो एक बार, सॉल्व करते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में क्या है? अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स अ ह्यूज वॉल, कितनी स्पीड से? सी बाय 10। ठीक है, अब इधर देखो, जैसे देखो डायग्राम बना लिया करो, जैसे ये वॉल है क्योंकि, और ये कार है, कार वॉल की तरफ जा रही है, कितनी चलो देखो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, ये बताओ फ्रीक्वेंसी रिसीव, जल्दी बोलो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो सी प्लस सी बाय 10 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स, दैट इज सी इंटू एफ नॉट। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 + 1/10 इज 11/10, तो ये बचेगा 11/10 इंटू एफ नॉट, लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। अब क्या होगा? अब इधर देखो सब लोग, बिल्कुल, अब दोबारा से सॉल्व करें, अब होगा साउंड करेगा रिफ्लेक्ट, ये बनेगा मेरा ऑब्जर्वर, और ये जो वॉल है वो क्या बन जाएगी? सोर्स, और साउंड आएगा सोर्स से ऑब्जर्वर। बता सकते हो वॉल कितनी वेलोसिटी से आ रही थी? वॉल इसी डायरेक्शन में आ रही थी, कितनी वेलोसिटी से? सी बाय 10 से आ रही थी। हो गया सॉल्व, बोलो कितना आएगा यार? फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड अगेन इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, दैट इज सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स, सी माइनस सी बाय 10, 9c/10 इंटू फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड इज 11/10 एफ नॉट। हो गया सॉल्व, ये बना बेटा कितना? 1 अपॉन, ये बना 9/10, 9/10 से 10 से 10 चला गया 11/9, तो आंसर आएगा एफ आर डबल डैश इज इक्वल टू 11/9 एफ नॉट, ये आंसर। सबको समझ में आई बात बेटा? 16वें के बाद 18वां क्वेश्चन, आंसर नहीं नोट करना है, समझ समझ के लिखना है या खुद से सॉल्व करना है ना, अब पता होना चाहिए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। वो करते चलते साथ में रीड करो सब लोग। अ बस इज मूविंग टुवर्ड्स ए ह्यूज वॉल, कितनी वेलोसिटी से? 5 m/s। तो मान लो ये बस है और ये जा रही है, कितनी वेलोसिटी से? 5 m/s ये वॉल है। इसने बोला कि द ड्राइवर साउंड ए हॉर्न ऑफ द फ्रीक्वेंसी 200 Hz, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स हर्ड बाय द पैसेंजर इन द बस। जैसे मान लो मैं बस में बैठा हुआ हूं तो मुझे दो साउंड सुनाई देंगे ना, एक तो डायरेक्ट जो बस के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया मुझे डायरेक्ट साउंड आया, एक साउंड दीवार से टकरा के वापस आएगा, तो कितनी फ्रीक्वेंसी के साउंड? दो, एक तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एक रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसने बोला कितने बीट्स सुनाई देंगे, तो मैं दोनों फ्रीक्वेंसीज को माइनस कर दूंगा, F1 - F2 बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इधर देखो, ये मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, तो पहला, अब थोड़ा फटाफट करेंगे, पहले ये सोर्स होगा और ये ऑब्जर्वर, साउंड कहां से जाएगा? सोर्स से ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल, बोलो दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स इनटू एफ नॉट, ये हो गया वन।
अब ये बन जाएगा हमारे पास सोर्स ऑब्जर्वर, सॉरी, और ये बन जाएगा सोर्स। साउंड कहां से आएगा? यहां से। ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 5 से। अब ये कितनी फ्रीक्वेंसी के साउंड को रिसीव करेगा दोबारा से? तो आप बोलोगे दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? सी अपॉन सी माइनस 5 इनटू एफ नॉट। इसीलिए मैं पहले कैलकुलेशन नहीं करता हूं। समझ में आ रही है बात? कैंसिल आउट हो जाता है। तो देखो कितना बना आपके पास, सी प्लस 5 अपॉन सी माइनस 5 इनटू एफ नॉट। यही पूछा है ना? ये एफ नॉट से ज्यादा आया कि कम आया? ज्यादा आया। तो अगर मैं आपसे बीट फ्रीक्वेंसी पूछूंगा तो आपको इस फ्रीक्वेंसी को किसमें से माइनस करना पड़ेगा? दूसरी फ्रीक्वेंसी जो रिसीव कर रहा है वो तो एफ नॉट ही है। मैं अगर बस में बैठा हूं तो एक फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली आएगी मेरे पास, तो माइनस करूंगा तो बेटा कितना आएगा? देखो क्या कॉमन आ गया, एफ नॉट। नीचे कितना बना? सी माइनस 5। यहां पर कितना आया बोलो? सी प्लस 5 माइनस का सी माइनस 5। ये बना, क्या क्या उड़ गया? ये उड़ गया ना, 5 और 5 10। तो ये बना 10 एफ नॉट अपॉन सी माइनस, ये आ जाएगा। ठीक है, और सी कितना देर का बेटा? 342 माइनस 5 337 इंटू 200, ये आया 2000 अपॉन कितना रहा बेटा लगभग 2000 ना, 20/3 आ गया ना, तो कितना हुआ 6 18, 6 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 3 है ना, हाँ 37। ठीक है, हाँ 5.93। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5.934। लेकिन ये ध्यान रखना बीट्स जो होते हैं वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं। बीट्स क्या होता है वो तो वैसे आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख दिया, क्वेश्चन में बार बार आ रहा है, दैट इज एफ1 माइनस एफ2। और बीट्स जो होते हैं वो एक इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 6। और कितना आंसर? 5 दे रखा होगा ना कि 6 दिया? 6 दिया ना। अच्छा, वो 5.9 आ रहा है। ठीक, अप्रॉक्सीमेट दे दो। चाहे 5.99 भी आता ना तो भी आंसर 5 ही होता, 6 नहीं होता। ठीक है, 6 तब होता जब 6.01 समथिंग आ जाता, राइट? या 6 या 6 से ऊपर आता तो 6, और 5 या 5 से ऊपर आएगा तो 5। उसके बाद आओ ओवन एक्सरसाइज पे, और ओवन के कहां से कहां तक दे दो बेटा? 16 से 32 से करो बेटा सॉल्व अटेम्प्ट फटाफट। बत्तीस से लेके 38 तक। ना तो आंसर आ नीचे बेटा है ना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। 32 हो गया है ना, 32 बहुत आसान है। इसके बाद सोर्स किस पर है? A source when it is at rest in a medium produces a wavelength of the velocity v and wavelength lambda. If the source is set in a motion with a vs, ठीक है, बस सोर्स चल रहा है, ऑब्जर्वर नहीं चल रहा है। इसने बोला वेवलेंथ में कितना चेंज होगा? क्या आता है हमारे पास? लैम्डा आता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स अपॉन इनिशियल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। ये आंसर है। अब आप इसको चेंज कैसे करोगे, करस्पॉन्डिंग कैसे लिखूंगा? क्या मैं v बाय एफ नॉट को लैम्डा नॉट लिख सकता हूं? तो ये बनेगा लैम्डा नॉट माइनस वी एस बाय एफ नॉट। ठीक है ना, और मैं एफ नॉट को चेंज कर सकता हूं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो एफ इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। तो ये बनेगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस वी एस अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट इज वी बाय लैम्डा, लैम्डा नॉट। तो कितना है बेटा? लैम्डा नॉट 1 माइनस वी एस बाय वी। कैसे?
में बेटा, मतलब किसको? स्टेशनरी। लेकिन आप विंड के फ्रेम में जाओगे तो देनी पड़ेगी ना। उसने बोला विंड अभी है तो स्टेशनरी है, लेकिन अगर विंड को रोकोगे तो स्टेशनरी नहीं रहेगा। क्लियर ना? जैसे मान लो मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन अगर ये मुझे देख रहा है ग्राउंड से तो मैं रेस्ट पे देख रहा हूँ। लेकिन यही अगर मुझे बस से जाते हुए देखेगा तो मैं इसको बस में थोड़ी, मतलब रेस्ट पे थोड़ी दिखाई दूंगा, इसको मैं चलता हुआ दिखाई दूंगा। सिमिलरली अगर आप विंड के साथ बहते हुए देख रहे हो तो आपको वो रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। अगर आप विंड को रोक दोगे तो वो आपको उल्टा चलता हुआ दिखाई देगा, आपको वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ये तो ओवन में कहां से कहां तक दे दी बेटा, और कहां तक डिस्कस हो गया? ओवन में नहीं, डिस्कस कहां से कहां तक हो गया? 29 तक डिस्कस हो गया ना? हाँ ठीक है ठीक है। तो कल होमवर्क है ओवन में 32 से 38। S1 में बताओ, है ना? शीट को खत्म करते हैं फटाफट। S1 में हमने काफी कुछ कर दिया वैसे, डॉपलर हो ही गया ठीक है, और 11 तक कर लिए ना ठीक है। तो बीट्स तो अभी नहीं कर पाएंगे, बीट्स छोड़ दो, तो S1 अभी नहीं कर रहे। उसके बाद जेई मेंस पे आओ। जेई मेंस में कितने दिए थे बेटा? 1 to 8। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो होमवर्क दे दिया ना, जेई मेंस के 1 to 8 दे दिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके बीट्स अगर आए तो उसको छोड़ देना, बाकी सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके आराम से कर सकते हो 20 तक, ठीक है? तो ये कल का होमवर्क है, कल इसको डिस्कस करेंगे। साउंड में अभी दो चीज़ें बची हुई हैं हमारे पास, एक बीट्स बचा हुआ है ठीक है, और उसके बाद एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो है क्विंक्स ट्यूब, क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जैसे रेजोनेंस ट्यूब है ना, उसी तरह से क्विंक्स ट्यूब, QUINKES, क्विंक्स ट्यूब, है ना? तो एक क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, वो भी सेम काम आता है टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड ठीक है इन एयर। तो वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स 1 ठीक है ना? हैं हाँ, वो तो उनके साथ, मतलब नहीं 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 कुछ खुद से नहीं पढ़ना है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, खुद से याद करोगे। देखो मॉडर्न ऐसा है ना, दिमाग में कंसेप्शन डाल दिया जाता है कि मॉडर्न जो है वो रटने का टॉपिक है, मॉडर्न रटने का है ही नहीं है, मॉडर्न बहुत ज़्यादा समझने का टॉपिक है ना? अच्छे से पढ़ने की कोशिश करोगे, अच्छे से समझोगे तो सबसे आसान है, और बहुत स्कोर है, हाईली स्कोरिंग है भाई साहब। मतलब जेई मेंस में मान लो 4 क्वेश्चन और जेई एडवांस में 4-5 क्वेश्चन ठीक है, 12-13 लेक्चर, ये मतलब पर लेक्चर 1 क्वेश्चन है ना, 12-13 लेक्चर चलेगा, 13 से 15 लेक्चर मैक्स टू मैक्स खींचेगा, 15 लेक्चर लग जाएंगे मुझे पढ़ाने में, लेकिन 15 लेक्चर में हमारे कम से कम 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। मॉडर्न टू मॉडर्न। देखो मॉडर्न वन में हम 4 चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फिर आएगा मैटर वेव, फिर आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्सरे, ये 4 चैप्टर आएंगे ठीक है। फिर उसके बाद आएगा मॉडर्न टू, मॉडर्न टू में 2 चैप्टर्स आते हैं, एक आता है रेडियो एक्टिविटी, एक आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। मॉडर्न दोनों इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है मॉडर्न टू इम्पॉर्टेंट नहीं है, दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में जो है वो मॉडर्न वन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एडवांस में ज़्यादातर मैंने मॉडर्न न्यूक्लियर वाला पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है, मॉडर्न टू से ज़्यादा एडवांस में देखें जैसा क्वेश्चन, लेकिन दोनों इम्पॉर्टेंट है। अब जितने भी चैप्टर चलेंगे सब इम्पॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो कि POC एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा वो, है ना, और उससे 1 क्वेश्चन आता ही आता है, और इतना आसान है ना, लेकिन आप खुद से पढ़ने बैठोगे उसमें इतना थ्योरेटिकल कंटेंट आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सेम सेमीकंडक्टर 3 या 4 3 लेक्चर मुश्किल से लगेंगे और उसे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे। एरर जो है वो 2 लेक्चर लगेंगे, 1 क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, सबसे 8 से 10 30 में से 1/3 जो पोर्शन है ना जो आने वाला है वो बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है। वेव ऑप्टिक्स YDSE से 1 क्वेश्चन ठीक है, पोलराइजेशन से 1 क्वेश्चन, EM वेव से 1 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन ये ठीक है, एरर से 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, POC से 1 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, मॉडर्न से 4 क्वेश्चन, 6 और 4 10 क्वेश्चन ठीक है। तो हाँ, और ये पढ़ने में हमें 1 महीना लगेगा बस, तो मैं वही बोल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 1 महीने में सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा और हमें लगभग 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है बहुत, और इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, कोई पुराने से कुछ ऐसा लेना देना नहीं है ठीक है। EM वेव तो वेव ऑप्टिक्स के साथ पढ़ाऊंगा ना। EM वेव वो 4 आते हैं, वेव ऑप्टिक्स में 4 टॉपिक आते हैं, पहला आता है इंटरफेरेंस, दूसरा आता है डिफ्रेक्शन, तीसरा आता है पोलराइजेशन, चौथा आता है EM वेव।
ठीक है ना। तो उसके बाद पहले इसको कंप्लीट कर लूंगा, फिर उसके बाद उसको पढ़ा दूंगा। चलो भाई बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय। बंद कर दूं इसको, मतलब महीना भर मान ले आज से, नहीं फिर तुम्हारा तो वेव ऑप्टिक्स और है, 10 दिन 12 दिन और जोड़ लगभग 40 लेक्चर लगेंगे। हाँ 15 जनवरी से।